नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या क्या खाना बेहद ज़रूरी होता है जिससे आपकी प्रेगनेंसी पर निगेटिव इफेक्ट ना पड़ सके या आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास रुक सके या आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास में बाधा उत्पन्न हो। तो इसके लिए यह ज़रूरी होगा कि आप प्रेगनेंसी के पहले महीने में बेहद ही अच्छा आहार ले और पूरा पोषण से भरा आहार ले जिससे आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ व्यतीत हो सके। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसी ही प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टिप्स टू यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला को क्या क्या खाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के पहले महीने में कैल्शियम, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। आप कैल्शियम और प्रोटीन के लिए नॉन वेज, सोयाबीन, दूध, पनीर, अंडा, दाल, पालक, अनार, चना, दही, इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में जो डेयरी प्रोडक्ट है यानी जो दूध से बने उत्पाद हैं उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के पहले महीने में ज़रूर करें। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको पूरी प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा प्रेगनेंसी के पहले महीने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिला के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी आपके शरीर में होती है तो इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक विकास काफ़ी धीरे धीरे होता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र भी अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाता है और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के आँख के अच्छे विकास के लिए यह जरूरी होता है कि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में रहे। और इसके साथ ही अगर आप ओमेगा 6 फैटी एसिड लेते हैं तो यह भी आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। आप ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए ड्राई फ्रूट, हरी पत्तेदार सब्जियां, सरसों का तेल, लीवर ऑयल, इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा भी अगर आपको ये सारी चीज़ें खाने में दिक्कत होती है या ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आप आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां ले सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। याद रखें कि आप ये दोनों गोलियां डॉक्टर की सलाह से ही लें, यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में वो कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आपको डॉक्टर न बताए हों। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको डॉक्टर से बिना सलाह लिए कोई भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में कच्चे अंडे, पनीर, कच्चे मांस, इन सारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में शराब और सिगरेट से बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें, यह आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यही सब थे कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सेवन आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में ज़रूर करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने बताया है जिसका सेवन आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इसके अलावा भी मन में कोई सवाल या सुझाव आ रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।